भारत में किसान आंदोलन जब जब ठंडा पड़ने लगता है तब कोई ना कोई कांड सामने आ जाता है जिससे किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगते हैं। अब हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मुकेश नाम का व्यक्ति किसान आंदोलन में शामिल होने गया था और मुकेश के परिजनों ने आंदोलनकारियों पर मुकेश को शराब पिलाने और बाद में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है। अब इसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि मुकेश झज्जर जिले के बहादुरगढ़ सब डिवीजन के गांव कसार का रहने वाला था। मुकेश के भाई ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार 16 जून की शाम को किसान आंदोलन में शामिल होने गया था। वहीं पर उसे पहले तो शराब पिलाई गई, फिर आग के हवाले कर दिया गया। भाई ने आंदोलनकारियों पर मुकेश को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। बुरी तरह झुलसे मुकेश को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल लाया गया और गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रात 2:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी होने पर परिजन और गांव वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों ने उसे परेशान किया, बाद में उसे तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। मरने से पहले मुकेश का एक बयान भी सामने आया है। इसमें वह किसान आंदोलन स्थल पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की बात बता रहा है। हालांकि उनकी बातों से ये स्पष्ट नहीं है कि आग किसने लगाई। घटना के विरोध में परिवार वालों ने मुकेश का शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सरकार पहले परिवार को सुरक्षा की गारंटी दे और उचित मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अब इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अस्पताल से उन्हें सूचना मिली थी कि कसार गांव के मुकेश नाम के एक व्यक्ति की बहादुरगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लाया गया था। मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि इस संबंध में पहले संदीप और कृष्ण नाम के आरोपियों के खिलाफ जान से मारने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, मगर मुकेश की मौत होने के बाद हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से कई बातों का खुलासा होने की संभावना है। इस घटना के बाद कुछ गांव वालों ने किसान आंदोलन पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी रात भर डीजे बजाते हैं, उनके खेतों तक चले आते हैं, खुले में शौच करते हैं और मना करने पर धमकी देते हैं।